हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे हिंदी मूवी ब्लॉकबस्टर लाडला के रियल किस्से के बारे में। वीडियो को फुल वॉच कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से नई नई खबरें आप तक पहुँचाती रहूँ। साल 1994 में रिलीज हुई श्रीदेवी और अनिल कपूर की फिल्म लाडला को दर्शकों ने खूब पसंद किया था, लेकिन इस फिल्म से जुड़ा एक मज़ेदार किस्सा भी है जिसे बहुत कम लोग ही जानते होंगे। दोस्तों अनिल कपूर, श्रीदेवी और रवीना टंडन की सुपरहिट फिल्म लाडला करीब 30 साल पहले रिलीज हुई थी। 1994 में रिलीज हुई इस फिल्म को 30 साल पूरे होने के बाद भी लोग खूब पसंद करते हैं। यूं तो फिल्म में रवीना टंडन, अनिल कपूर, श्रीदेवी लीड कास्ट में थे दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्रीदेवी से पहले ये रोल दिवंगत अभिनेत्री दिव्या भारती कर रही थी, लेकिन उनके अचानक हुए निधन के बाद शीतल जेटली का रोल श्रीदेवी को ऑफर किया गया था, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। मीडिया रिपोर्ट की माने तो जब दिव्या भारती के निधन के बाद श्रीदेवी ने इस फिल्म की शूटिंग शुरू की तो उनके साथ कुछ अजीब चीजें घटित हुई थी, जैसे उन्हीं लाइंस पर उसी जगह अटकना जहां दिव्या भारती अटकती थीं। जब ये बार बार होने लगा तो सेट पर मौजूद लोग थोड़े परेशान हो गए। आखिरकार फैसला लिया गया कि गायत्री मंत्र का जप और खास पूजा सेट पर करवाई जाए, और ऐसा हुआ भी। तब सब काम छोड़कर पहले पूजा पाठ करवाया गया, गायत्री मंत्र का जाप भी किया गया, तब जाकर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और फिल्म बनकर तैयार हो गई। दोस्तों कहा जाता है कि दिव्या भारती ऊपर जाने से पहले वो इस फिल्म को साइन कर चुकी थीं और अपने हिस्से की तकरीबन 80% शूटिंग भी कर चुकी थीं, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसीलिए वह समय से पहले इस दुनिया को अलविदा कह गईं। आखिरकार फिल्म के मेकर्स ने उनकी जगह श्रीदेवी को इस फिल्म में चुना और श्रीदेवी के इस रोल की खूब तारीफ भी हुई थी। फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके अलावा दोनों ने मिस्टर इंडिया, जुदाई, लम्हे और रूप की रानी, चोरों का राजा जैसी फिल्में भी की। दोस्तों बता दें कि फिल्म लाडला का निर्देशन राजकुमार ने किया था और अनीस बाजमी ने इसे लिखा था। नितिन मनमोहन इस फिल्म के निर्माता थे। इस फिल्म में अनिल कपूर श्रीदेवी के साथ शक्ति कपूर, अनुपम खेर, रवीना टंडन, फरीदा जलाल संग अन्य ने काम किया था। यह फिल्म सुपरहिट हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो जरा सा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से नई नई खबरें आप तक पहुंचाती रहूं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।